हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजार रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक मेकअप शेयर करने जा रही हूँ जो कि टीनेजर्स के लिए है। ठीक है, अगर आप टीनेजर है तो ये वीडियो आपके लिए, आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो जी, टीनेजर को ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता, ये सारी वो प्रोडक्ट हैं जिनसे आप नेचुरल लुक क्रिएट कर जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग इससे कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की जो बात है वो है जी, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, हर कोई आसानी से इनको ले सकता है। और जिस सब चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट थिंग जो है ना वो है जी मिस रोज़ का ये फाउंडेशन स्टिक है। ये बहुत ही लाइट वेट है और इसका मैं नंबर भी अभी आपको बताती हूँ कि कौन सा नंबर है। ठीक है, ये देख लें, ये मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप मैट का है। ठीक है, इसका जो नंबर है वो आइवरी 6 है। तो इसकी मैं अभी आपको स्वैच चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह का है। ठीक है, तो इसकी कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी है, तो मैं इसको भी अप्लाई करके आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आप इसको टैप टैप कर सकती हैं आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या अपनी फिंगर के साथ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एक जो है ना आपकी लुक क्रिएट हो जाती है। और आप अगर इसको हैवी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना इसके साथ कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी मैच आइवरी 6 इसका शेड है। ठीक है, मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लिया, आप लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है ना वो ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट थिंग जो कि है ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन टीनेजर को बहुत अच्छा लगता है अगर उसको अच्छे से ब्लेंड करके जो है ना आप लोगों ने अप्लाई किया हो। तो जी ये मैंने लिया है लोकल मार्केट से। अगर इसका कोई लिंक मुझे दराज पे नज़र आया तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगी, अदरवाइज़ आप अपनी लोकल मार्केट से पता कर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड करके लगाएंगे, बिल्कुल भी ये पाउडरी नहीं है, बहुत अच्छा ईजिली ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ जो कि है मस्कारा। तो ये बहुत अच्छा है मिस रोज़ का है। सबसे मज़े की बात इसका ये अफोर्डेबल है, बिल्कुल भी जो है ना स्टिकी नहीं है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। इससे आपकी जो आई लैशेज है वो बहुत अच्छी लगती है, उनमें एक वॉल्यूम आ जाता है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो भी ये बेस्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइस तो आप ये ले लें, ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग ईजीली अफोर्ड कर सकते हैं आप, और इसको आप लोग जो है ना अपने किसी भी हैंड बैग में ईजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक, तो जी मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है और बजट फ्रेंडली है और रिकमेंडेड है। नेक्स्ट इसकी तरफ मूव करते हैं जो कि है ये आई शेडो पैलेट। तो ये भी मैंने जो है ना अब्रॉड से ली है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं इसका लिंक जो है ना वो शेयर नहीं कर सकती, अगर मुझे दराज से कुछ इस तरह का मिला तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जी। अगर इसके स्वैचेस की बात की जाए तो इसमें बहुत अच्छे बेसिक से कलर है जिनसे आप कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउन, इसमें बेसिक सारे कलर हैं। ठीक है, पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लैक, वाइट। ठीक है, ये सारे बेसिक कलर हैं, आप इनको मिक्सअप करके और दूसरे कलर बना सकते हैं। और ये जी सबसे अच्छी बात ये जो है ना बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, अच्छे से क्रीमी से स्मज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है मैं इनको अप्लाई किया, इनके स्वैचेज चेक, तो जी सबसे मजे की जो इसकी बात है ये छोटू सी, आप इसको किसी भी अपने हैंड बैग में ईजिली कैरी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी बड़ी बड़ी सी आई शेडो पैलेट उठाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह की छोटी सी पैलेट लें और उसको अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, ओके जी, नेक्स्ट थिंग जो टीनेजर के पास होनी चाहिए वो है इस तरह के ग्लॉस, लिप ग्लॉस। ठीक है, बहुत ही अच्छे इनके शेड्स हैं, अगर आपका फेयर कलर है तो बहुत सूट करते हैं आप पे। ठीक है, अभी आपको इसके स्वैचेस मैं चेक करवाती हूँ और ये मिस रोज़ के हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होते, बल्कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपके ईजीली 7 to 8 hours जो है ना वो स्टे करते हैं। इनको वन बाई वन आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये है जी मैट का, ठीक है, लिप ग्लॉस। तो इसका मैं स्वैच आप लोगों को चेक करवाती हूँ और ये न्यूड शेड में है, बहुत अच्छा शेड है। ठीक है, ये अगर टीनेजर अप्लाई करें तो उनको बहुत ही सूट करता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका स्वैच, ये न्यूड शेड में है। सबसे मज़े की जो इसकी बात है ये ट्रांसफ़र फ्री है, यानी अगर आप चाय जूस कुछ भी पी रहे हैं तो ये कोई भी जो है ना किसी पर ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा है, तो मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है, आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये मिस रोज़ की चीज़ें वैसे भी काफ़ी रीजनेबल होती हैं और आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो भी मिस रोज़ का ही है जो कि पिंक शेड में है, और ये भी मिस रोज़ प्रोफेशनल
ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग मीन जो लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, यानी 7 to 8 hours। इसका जो शेड है वो भी बहुत अच्छा है, पिंक शेड है, ठीक है। अगर आपका कलर फेयर है तो ये शेड भी आप बहुत सूट करेगा, ठीक है। ये देखिए इसका स्वाच में चेक करवा रही हूँ आप लोगों को, तो इस तरह का पिंकिश सा शेड है। ये भी लॉन्ग लास्टिंग है और ये भी ट्रांसफ़र फ्री है, यानी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा चाय पीने से या कोल्ड ड्रिंक पीने से कुछ भी, ठीक है। अगर आप टीनेजर हैं और आप अच्छे मेकअप की तलाश में हैं तो आप ये चीज़ें ले लें और आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों के पास इन चीज़ों के साथ हर जो है ना वो लुक क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, चाहे आप में कोई डिनर है एनुअल, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट थिंग जो है ना ये मेरे पास है मिस रोज़ की ही पील ऑफ नेल पेंट, जो कि बहुत अच्छी आप देख सकते हैं मैंने अभी अप्लाई की हुई है, मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे मज़े की बात इसको आप इजीली पील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक ले अल्लाह हाफिज़।